हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज ए में 1 क्वेश्चन सॉल्व किया था जो था वर्ड मैथ्स के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो अब हमें अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है और हमें आज फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आप अपना बुक ओपन करेंगे, आपके पास ये बुक होगा। ओके, आप इसे ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 30 आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आप इसे ओपन करेंगे। ठीक है, अब बच्चों समझो, अब आपको पहले समझ लेना है फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखो। जैसे मैं कह दूँ, हमारे पास एक नंबर है। कौन सा नंबर है? नंबर सिक्स है। ठीक है, तो बच्चों फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मुझे समझना है। तो बच्चों ये तो ये सिक्स जो है ना, वो किन किन नंबर से डिविजिबल है, तो कहोगे कि सर जो ये सिक्स है ये वन से डिविजिबल है, ये टू से भी डिविजिबल है, ये थ्री से भी डिविजिबल है और ये सिक्स से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई? तो ये जो गिवन नंबर है वो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा बच्चों ये, तो ये क्या कहलाएगा? इसके फैक्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, फिर समझो कि ये जो गिवन नंबर है जिन जिन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर इसके लिए फैक्टर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? और अगर मैं कहूँ कि 6 किसे किसे डिवाइड कर देगा, तो 6 को डिवाइड कर सकता है, 12 को डिवाइड कर सकता है, 18 को डिवाइड कर सकता है, 24 को डिवाइड कर सकता है, 30 को डिवाइड कर सकता है और इसके टेबल में आने वाले हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो बच्चों ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मल्टीपल। बात समझ में आ गई आपके? और बच्चों जो ये नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। बात समझ आई? सुनो फिर से, मैंने कहा 6 जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा वो फैक्टर कहलाएंगे। किसके? 6 के। और 6 जिन जिन नंबर को डिवाइड कर देगा तो ये सारे ही नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसी में समझो, 1 का मल्टीपल 6, 2 का मल्टीपल 6, 3 का मल्टीपल 6, 6 का मल्टीपल 6। बात समझ में आ गई? नहीं आएगी? ठीक है, तो फिर से सुनो, मैंने कहा कि 6 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो फैक्टर, 6 जिनको डिवाइड करेगा वो मल्टीपल। बात समझ में आ गया आपके? जैसे एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा 12, बताओ 12 किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो आप कहोगे सर 12 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 12 2 से भी डिवाइड होगा, 12 3 से भी डिवाइड होगा, 12 4 से भी डिवाइड होगा, 12 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? इस 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। और ये 12 जिनको डिवाइड कर देगा, जैसे 12 को डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, 48 को डिवाइड करेगा और अपने टेबल में आने वाले हर नंबर को डिवाइड करेगा, तो ये सभी नंबर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? इस नंबर के मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? मल्टीपल कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत ही कायदे से अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा फैक्टर का? ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा बच्चों, ठीक है, ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर, आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा कि वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को डिवाइड कर देंगी वो उसका क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। फिर से सुनो, ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, और मल्टीपल का डेफिनेशन क्या होगा? ऑल द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई द गिवन नंबर, All the numbers that can be divided by the given number are called the multiple of the given number. बात समझ में आ गई नंबर मेरे बच्चों? ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करिए, फिर मैं इसका एक एक करके डेफिनेशन लिखा के आपको एक एक बात फिर से क्लियर करूँगा।
फटाफट नोट कर लो बेटा आप इसे। चलो आपने नोट कर लिया होगा इसे, मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब इनका डेफिनेशन लिख के फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स भी ढेर सारे राइट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगा लो फैक्टर, हेडिंग लगाओ फैक्टर, FACTOR फैक्टर। फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखो। लिखो फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर, ऑफ ए नंबर इज अ नंबर, इज अ नंबर दैट कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर, द गिवन नंबर एग्जैक्टली। आपके बुक में ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली। या और लिख लो मेरा डेफिनेशन जो मैं बोल रहा था उसको लिखो, ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड, दैट कैन डिवाइड, डिवाइड द गिवन नंबर, गिवन नंबर एग्जैक्टली कॉमा आर कॉल्ड, आर कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर। ओके लेट्स कंटिन्यू। आ जाओ बच्चों देखो इसका एग्जांपल, देखो एग्जांपल, देखो इसका एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा इसका। देखो जैसे मैं कह दूं, अभी मैंने 6 का एग्जांपल दिया था, 12 का हो गया, 10 का लेते हैं एग्जांपल। तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे बच्चों वो 1 से डिवाइड होगा, 10 फैक्टर होगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, 10 होगा। ये सभी इनसे क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं, ये सभी क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं, ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। बात समझ आ गई। एक और नंबर लेते हैं कोई सा भी, ले लेते हैं 15, कह लेते हैं 15, 15 बच्चों 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 15 से डिवाइड होगा। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, किसके, 15 के। बात समझ में आई कि नहीं आई, फैक्टर्स के क्या, किसके फैक्टर्स होंगे, 15 के फैक्टर्स ये हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ चलेंगे।
तो चलो आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, अब लिख लो मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो भी लिखवा दिया और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है, तो आ जाओ क्या कहते हैं, अब मल्टीपल के बारे में लिख लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है भाई। मल्टीपल, मल्टीपल के बारे में लिखो, लिखो भैया लिखो। ए नंबर इज सेड टू नोन एज, ए नंबर इज सेड टू नोन एज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई होगी। ठीक है, क्या है मतलब इसका? देखो और इसका डेफिनेशन मेरे हिसाब से लिखो बच्चों, जो मैंने बताया था, All the numbers that can be divided by the given number are called the multiple of the given number। ठीक है, ये एस बढ़ाओ, यहाँ पे बढ़ा दो एस। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया, मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, तो 5 जो होगा बच्चों वो 5 को डिवाइड कर सकता है, 10 को डिवाइड कर सकता है, और किसे डिवाइड कर सकता है बच्चों, 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 15 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा, या अपने टेबल में आने वाले हर नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये सभी नंबर्स जो होंगे बच्चे इसके मल्टीपल होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल, मतलब कि गिवन नंबर से जो जो नंबर कट जाएंगे या उसके टेबल को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा 8 नंबर हमारे पास, तो 8 बच्चों किसे किसे डिवाइड कर सकता है, 8 डिवाइड करेगा आपको 8 को, 16 को, 24 को, 32 को, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? मल्टीपल कहला रहे होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई है। ठीक है, तो जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो जो नोट हो गया होगा ये। ओके, लेट्स गो। चलो अब आ जाओ बच्चों अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्सरसाइज नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
नंबर्स, ठीक है। चलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 125। इसके सभी फैक्टर्स को राइट करना है, इसके सभी फैक्टर्स को हमें राइट करना है। क्वेश्चन नंबर बी है 150, हम राइट करेंगे सबके बारे में। क्वेश्चन नंबर सी है 90, इसके भी सभी फैक्टर को राइट करेंगे। डी नंबर है 91, ठीक है। और बच्चों हमारा एफ नंबर है 100 के ऑल फैक्टर्स को हमें राइट करना है, ठीक है। तो बच्चों इजी तो होगा नहीं है, चलो आ जाओ बच्चों काउंटिंग करते हैं। तो बच्चों अभी मैं लास्ट में आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में लिखवाऊंगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। तो चलो देखते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो 125 का फैक्टर, देखो बच्चों वन जो होता है ना, हर नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हर नंबर का एक फैक्टर वन जरूर होता है, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने कहा वन फैक्टर है, बिल्कुल है, वन हो जाएगा। टू नहीं होगा, टू से भाई ये ऑड नंबर है, टू से डिवाइड नहीं होगा। थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? 5, 2, 7, 1, 3 नहीं डिवाइड होगा बच्चों, आपको ये काउंट करके देखने, थ्री से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके आपको करना पड़ेगा। तो थ्री से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फाइव से ये डिवाइड हो जाएगा, फाइव से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फाइव से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? 10 से, 7 से, 8 से नहीं होगा ये, ठीक है। फिर बच्चों ये किससे हो पाएगा? 10 से हो पाएगा? नहीं, ये किससे हो पाएगा? 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा? 15 से नहीं हो पाएगा ये बच्चों। 1 से 5 से और 25 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा ये बच्चों? 125 से ये डिवाइड हो रहा होगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। चलो ये सही है बिल्कुल, बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आ गई आपके बात समझ में, ठीक है। चलो 150 के फैक्टर्स लिखते हैं बच्चों। ये 1 से डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड होगा बच्चों, इवन नंबर है। 3 से डिवाइड होगा बच्चों, इनके क्योंकि इनके नंबर्स का जो सम है 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा, 6 से भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, ठीक है। 13, 14, 15 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20 से नहीं होगा, 21, 21, 25 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद बच्चों ये 31 नहीं होगा, 35 से नहीं होगा, 40 से नहीं होगा, 45 से भी डिवाइड नहीं होगा, 50 से डिवाइड होगा इसके बाद ये, और 50 के बाद बच्चों ये सीधे सीधे 150 से डिवाइड हो रहा होगा। अरे ना ना, 75 से भी डिवाइड हो जाएगा ये बच्चों, 75 से उसके बाद 150 से ये डिवाइड हो रहा होगा। बच्चों आप लिख नहीं पाएंगे अभी, इसलिए मैं इसको राइट करवा दे रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से समझते हुए चलेंगे। अब बच्चों आंसर भी मैच कर लेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से कोई छूटे ना, आप आंसर भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्योंकि मैं रैंडमली यहाँ पे लिख रहा हूँ सोच समझ के, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा ये होगा 90, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं, 15 से हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 18 से भी हो जाएगा बच्चों, 18 के टेबल में आता है 90, फिर 20 से भी डिवाइड होगा ये, 20 से भी डिवाइड होगा, 20 के बाद बच्चों ये किससे डिवाइड होगा? 21, 22, 23, 24, 25 से नहीं होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 30 से डिवाइड हो रहा होगा बच्चों ये, 30 से डिवाइड होगा, 30 के बाद ये किससे डिवाइड? 31 इसे किसी से भी नहीं होगा, फिर होगा 45 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये बच्चों सीधे सीधे 90 से डिवाइड हो रहा होगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई होगी, ठीक है। चलो आ जाओ 128 पाते हैं बच्चों। ये बढ़िया नंबर है, अच्छा नंबर है। तो बच्चों ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 8, 2, 10, 11, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा,
सेवन से ये बच्चों नहीं हो रहा है, 128 के टेबल किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो फोर से हो जाएगा, सेवन से नहीं होगा, एट से। 16 8 जा कितना होता है, 28 होता है ना, 16 8 जा, तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है। 9 से बच्चों ये नहीं हो पाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 14 से भी नहीं होगा, 15 16 से हो जाएगा, ठीक है। 16 17 18 19 20 नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, 21 22 23 24 से भी नहीं होगा, 25 से भी नहीं, 26 से भी नहीं होगा, 27 से भी नहीं होगा, 28 से भी नहीं होगा, 29 30 से भी नहीं होगा। मुझे लगता है बच्चों इसका कोई फैक्टर नहीं आएगा, इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। इसके 8 फैक्टर्स टोटल आएंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, टोटल 8 फैक्टर्स इसके होंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों ये आपका डिवाइड होगा 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 32 फोर जा डिवाइड हो जाएगा, 32, उसके बाद 64, उसके बाद ये 128 से ही डिवाइड होगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसके इतने ही फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। 91 पे आते हैं बच्चों, ये 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, 1 के बाद ये 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा, उसके बाद बच्चों ये सीधे सीधे 91 से ही डिवाइड हो पाएगा, और किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ 100 पे। 100 बच्चों 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 से होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से होगा, ठीक है। 20 का 25 से होगा, फिर उसके बाद 50 से होगा, उसके बाद कितना होगा, 100 से होगा। 9 फैक्टर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स इसके आ रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से आपको मैंने ये बात समझा दी है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इन्हें एज इट इज राइट कर लीजिए। बच्चों देखो मुझे ये चीज़ें याद थी तो मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन आपको ईच नंबर से इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। तो चलो अब आपने इसे डिलीट नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है मेरा 17, क्वेश्चन नंबर बी है मेरा, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ बच्चों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बी है मेरा 25, क्वेश्चन नंबर सी है मेरा 22, और क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, 35 मैंने ले लिया। अब 16 और 111 का आप खुद लिखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बच्चों फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स को हमें राइट करना है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट फाइव मल्टीपल को राइट करना है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका टेबल लिखना है फाइव नंबर्स तक, ठीक है, फाइव टाइम्स तक, ठीक है। चलो देखो 17 के क्या हो जाएंगे बच्चों, अब आपका काम है फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 17, ये आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो लिखेंगे फर्स्ट फाइव सेवन, फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 17, उसके बाद क्या लिखेंगे 17, 17 वन जा 17, 17 टू जा कितना हो जाएगा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका बच्चों मल्टीपल लिखना है, आ जाइए लिख लेते हैं, 25 होगा 20, नेक्स्ट में 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा बच्चों, ठीक है। अब 25 में 2 का 25 का मल्टीप्लाई कर 3 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर बच्चों कितना आएगा 125 आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, इस पे आ जाओ, 21 जा 22, 22 2 जा 44, 23 3 जा 66, 22 4 जा 88 और 22 5 जा 110 आ जाएगा बच्चों, बात समझे। 35 पे आ जाओ, 35 वन जा 35, ओके 35 टू जा 70, 105 140 आएगा, और उसके बाद बच्चों 35 जोड़ेंगे ना तो 175 आने लग जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आई, बिल्कुल आई, ठीक है। तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सही है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बच्चों। तो जल्दी से बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है, मुझे पूरी पूरी विश्वास है कि आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी आज, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इतने डीप में आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अपना ख्याल रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आएगी क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अपना आप ख्याल रखिए, ठीक है, और आपके पेपर्स आ चुके हैं उनके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।